दोस्तों आज की वीडियो में कवर करेंगे हम चैप्टर 15। इससे पहले भी मैंने एथिक्स की वीडियोस बनाई है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर वहाँ वीडियोस देख सकते हैं। और कुछ FTFM की भी थ्योरी वीडियोस है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्चुअल में इससे पहले मैं आपको बता चुका कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है क्या, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है और ये भी पता है कि इंडिया के अंदर इसकी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है भी तो कुछ जो बड़ी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग करेंगे भी तो उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा जिसमें उसकी रिपोर्टिंग जाएगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इंडिया के क्या है फ्रेमवर्क, इंडिया से बाहर क्या फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है अगर हमें रिपोर्टिंग करते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी होती है कि तो क्लियर होती है चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एक्चुअल में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो हम ट्रांसपेरेंटली अगर स्टेक होल्डर को बना रहे हैं तो एक तरीके से बिलीव बनता है उनके माइंड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है। एक अकाउंटेबिलिटी पता लगती है कि हमने फ्रेमवर्क बनाया, कौन उसको फॉलो करा रहा है, वो कितना फॉलो हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है, ठीक है। कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव भी एडवांटेज हमें मिलेगा क्योंकि एक फर्म नहीं कर रही इस चीज़ को फॉलो, दूसरी कर रही है, तो कर रही है उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। थर्ड, इंक्रीज ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी जब वो इस तरह की चीज़ें फॉलो करेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेट बेंचमार्क फॉर कंपटीशन, एक कंपटीशन के लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि एक बंदा फॉलो कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो एक तरीके से एक बेंचमार्क एक मिल जाता है, स्टैंडर्ड मिल जाता है कि इस चीज़ से हमें कंपटीशन का आइडिया लेना है। मोटिवेट टू एम्प्लॉइज, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे इस चीज़ों से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छा काम कर रही है, ठीक है। दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सम की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। उसके लिए की ड्राइवर क्या है, की ड्राइवर का से यहाँ पर जो मतलब है कि अगर हम सस्टेनेबल जो इसकी रिपोर्टिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए मेनली किस चीज़ को देख के ऑर्गेनाइजेशन प्रोत्साहित होगी या फिर करेगी, क्या क्या चीज़ें उसको, एक तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ क्या क्या चीज़ें उसको ये करने के लिए मजबूर करती है या फिर वो करने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है, आप इसको इस लैंग्वेज में समझिए। रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेशंस बन गई है जिसमें कि जैसे लिस्टेड कंपनीज है बड़े वाली तो उनको ये रिपोर्टिंग करना कंपलसरी, तो रेगुलेटर भी एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, की ड्राइवर है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। कस्टमर्स, कस्टमर्स का बिलीव बढ़ाने के लिए हम ये रिपोर्टिंग करते हैं, लॉयल्टी बढ़ती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुछ एनजीओ और मीडिया भी ये चाहता है कि हम ये सब चीज़ें फॉलो करें, उससे भी हमें एक तरीके से एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम ये सब चीज़ें फॉलो करें। एम्प्लॉइज़ के लिए अगर आपको रिटेन करना है एम्प्लॉई को, उसकी नज़र में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ानी है तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। इन्वेस्टर की जो है लॉयल्टी बढ़ती है, यानी कि अट्रैक्ट होता है इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, यानी कि GRI। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक से करते हो या फिर मॉड्यूल में देखते हो या फिर कहीं से भी आप करते हो तो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब सी है, इसको रिटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक क्रक्स निकाला है कि मैंने इसमें ना एक तो लैंग्वेज सिंपल यूज़ की है, प्लस इसका ना एक जो इसके अंदर मेन चीज़ है ना वो सब निकाल ली मैंने, ठीक है। वो उसी नोट्स को मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ आएगा। ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा टिपिकल लगता है देखने में लेकिन है नहीं, क्योंकि उसका जो मेन चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो वो इजी है, फालतू की चीज़ें इसमें से हटा दो तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। GRI इज़ ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड इन ए डजन ऑफ कंट्रीज़। इसका मतलब समझ लो आप कि ये पूरी दुनिया के जो थाउजेंड ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट किया है पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया से मतलब हो गया ये एक कंट्री या दो कंट्री की बात नहीं कर रहे, ये नंबर ऑफ कंट्रीज, इसमें डजन्स ऑफ कंट्रीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंट्रीज उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है, किस चीज़ के लिए, इन्होंने नेटवर्क बनाया क्यों, इन्होंने नेटवर्क बनाया है डेवलप द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस चीज़ के,
जो ये हम पढ़ रहे हैं ना कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क बनेंगे वो बनाते हैं इसके अंदर, ये इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। ये जो मेनली फोकस किस चीज़ पे करती है, जो ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं ये मेनली तीन चीज़ फोकस करती है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिकली किस तरह की है ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वो सोशली कितना काम कर रही है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस उसकी क्या है, वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही। ठीक है, ये मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करती है। इन गाइडलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये मेनली तीन बनाते हैं। एक तो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, कि हम रिपोर्टिंग के लिए प्रिंसिपल्स क्या है, फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हमें उसके अंदर डिस्क्लोजर क्या देने हैं, सेकेंड चीज़ होगी आपकी, और एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप समझ सकते हो कि इसमें GRI के अंदर मेनली क्या होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल, यानी इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। ठीक है, डन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि GRI ने 2013 में GRI Z4 लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने दो पार्ट में इसको लॉन्च किया था। G4 दो पार्ट में है, पार्ट वन में रिपोर्टिंग प्रिंसिपल है और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। ठीक है, पार्ट टू में आपका इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल है। आया आपको समझ में ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 2013 में GRI ने G4 लॉन्च किया था, जिसके जो कि दो पार्ट के अंदर था। पार्ट वन में आपके प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर थे, पार्ट टू में ये बताया गया था कि इन चीज़ों को फॉलो कैसे कराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कौन से थे। प्रिंसिपल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो रिपोर्ट के कंटेंट के बेस पे और एक रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट के कंटेंट क्या होने चाहिए पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो। ठीक है, रिपोर्टिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपने देखा ना, हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था कि GRI के अंदर G4 लॉन्च हुआ 2013 में, जिसके अंदर दो पार्ट थे। पहले पार्ट में आपके प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर थे, सेकंड पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल था कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। अभी हम बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है आपके रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या आएंगे, सेकंड है कि रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल के जो रिपोर्ट के कंटेंट है वो मेनली चार चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला है स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, यानी कि स्टेक होल्डर को भी आपको इंक्लूड करके चलना है उस रिपोर्ट के अंदर, उनसे रिलेटेड क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है वो सब इसके अंदर बताया गया है, इन प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की हमारे स्टेक होल्डर कौन है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है। सेकंड चीज़ एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, प्लस हम उन्हें कहाँ तक फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपका पॉइंट कंप्लीट। दूसरा आता है सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट इन एनवायरमेंटल प्रेजेंटली एंड फ्यूचर, हम आज एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो सब हम अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। थर्ड चीज मैटेरियलिटी प्रिंसिपल रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल, इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट होगा वो भी हम इसमें डिस्क्लोज करेंगे। कंप्लीटनेस, और हमारी रिपोर्ट ना कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो कोई रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसको पता होना चाहिए कि कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि वो कुछ मीनिंगलेस चीज़ें बोल रही है। ठीक है, डन। आपको मैंने इसके कंटेंट से रिलेटेड बता दिया, और रिपोर्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम कंपेयर करना चाहें किसे कंपेयर कर सके, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग का टाइम कब है और तुम भेज बाद में रही हो तो उसका कुछ वो कुछ इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी सब। क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, रिलायबिलिटी यानी कि चीज़ें का आप कोई भी गलत उसमें प्रेजेंट ना करो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या आती, GR4 जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, उसकी सेकंड चीज़ क्या आती, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। पहली क्या थी, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ शुरू से। ठीक है, GRI क्या है, GRI थाउजेंड ऑफ एक्सपोर्टर्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, जो डजन्स ऑफ कंट्रीज में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये किस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डन हो गया। फिर इन्होंने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं जिसके अंदर, जिसको G4 बोलते हैं, 2013 में लॉन्च हुआ था, वो दो पार्ट में, पार्ट वन में क्या है, पार्ट वन में आपका है प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर, पार्ट टू में इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल, आपको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। मैं आपको प्रिंसिपल्स बता चुका, प्रिंसिपल आपके चार हैं,
स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, सेकंड सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, मैटरलिटी प्रिंसिपल, कंप्लीटनेस। डन। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जर्नल स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जनरली हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक कोड बनाया 7 पार्ट में। ESMS रोग, ई से क्या है आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एस से स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, एम से मेटेरियल एस्पेक्ट, जो दूसरा एस है उससे स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, आर से रिपोर्ट प्रोफाइल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, जी से गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक न्यूमोनिक कोड दे दिया ESMS रोग, ठीक है। और स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं हम, यानी कि ये जर्नली है, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ये सारी सभी ESMS रोग। बाकी ये स्पेसिफिक है, अगर आपसे डिमांड हो या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट हो ये चीज़ें तो आप इनको भी डिस्क्लोज करोगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या है इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल सोशल लेबर प्रैक्टिस ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ये मेनली होता क्या, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन इन कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड कॉरपोरेट सिटीजनशिप, ठीक है दोस्तों। इसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए जो कि उनके 10 प्रिंसिपल्स है कि अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी में भी पार्टिसिपेट करोगे और एक कॉरपोरेट सिटीजनशिप में भी आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। वो 10 प्रिंसिपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने आपको ये एक सिंपली एक चार्ट फॉर्म में दिए हुए कि आप इसको कैसे अच्छे से रिटेन कर सकते हो। सेकंड, ये कोऑपरेशन करने के लिए भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में कोऑपरेशन मैनेज करने का काम भी करता है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब बात कर लेते हैं कि वो 10 प्रिंसिपल क्या है। ये ईयर 2000 में आए थे ये प्रिंसिपल्स, इसमें से 2 प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, आपके 3 लेबर से रिलेटेड है, 2 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और आपके बाकी बचे हुए 3 ये एंटी करप्शन से रिलेटेड है। इससे ना आपको 10 के 10 याद करने में ना ईजी हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपके 2 है, आपको याद रखिए, पहले ह्यूमन राइट है, फिर लेबर, फिर एनवायरनमेंट, फिर एंटी करप्शन। मैं आपको समझाता हूँ, आप इसका न्यूमोनिक कोड खुद बना सकते हैं तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट बनाए हुए हैं इंटरनेशनली उसकी रिस्पेक्ट करो आप, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन भी करो, इन्हें फॉलो भी कराने की कोशिश करो। दूसरा, ह्यूमन राइट का एब्यूज नहीं होना चाहिए। डन, आपके 2 ये कंप्लीट हो गए, 2 ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे, ये आपके कंप्लीट। लेबर आप एबोलिश करो, ये कंपलसरी वो फोर्स लेबर होते हैं ना कि बंधुआ मजदूर टाइप होते थे पहले, एक सीरियल भी आया था उसमें भी इस चीज़ को दिखाया गया था, वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, चाइल्ड लेबर ख़त्म करो। थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आपके 5 हो गए, 5 के 5 ईजी है, आपको क्लियर हो गए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करो, उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो, ये 2 हो गए आपके, ठीक है। एंटी करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट वर्क करो कुछ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, कुछ इंडेक्सेस है जो कि इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए, मेनली 3 है, एक तो डो जोन्स, एक ESG और एक S&P, ठीक है। और यही 3 इंडेक्स है, इनको ना अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना तो इनकी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, मैंने ना इसको शॉर्ट में बना के लिखा है, जो मतलब कि मेन चीज़ है इसके अंदर है वो मैंने इसमें निकाल के क्रक्स दे दिया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, ठीक है, लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसको और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ डो जोन्स वाले की हम बात कर लेते हैं। आपको इंडेक्स का मतलब पता होता है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव वैल्यू दी जाती है जिससे कंपैरिजन किया जा सके। ये पहला इंडेक्स था जो कि सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग बनाया गया था, जो 1999 में आया था। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करता है, यानी कि जो कंपनीज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है और प्लस सस्टेनेबिलिटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है किसी भी तरीके से, उसको मान रही है, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक की जाती है इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारा आता है ESG इंडेक्स, एनवायरमेंट गवर्नेंस एंड सोशल। इसका मतलब ये है कि
इसके अंदर जो आपको वैल्यू दी जाती है, एक इंडेक्स सेट किया जाता है, वो इस बेस पे किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीज़ों के ऊपर कितना फोकस कर रही है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितनी है, गवर्नेंस अच्छे से उसके यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, सोशली कितनी एक्टिव है, इन तीन चीज़ों के बेस पे उसका एक इंडेक्स मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं ESG इंडेक्स। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ESG इंडिया प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विद एक्सपोजर टू ए लिक्विड एंड ट्रेडेबल इंडेक्स ऑफ 50 ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द इंडियन मार्केट एज मेजर्ड बाई इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो कंपनी ESG फॉलो कर रही है, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, सोशली भी एक्टिव है और गवर्नेंस भी उसके यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो उन कंपनीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक की जाती है मार्केट में, वो टॉप 50 कंपनीज कौन है, तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर, वो चीज़ें आपकी है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया। हमने इससे पहले यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट पढ़ लिया, वो यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर बना हुआ है। इससे पहले हमने डो जोन्स वगैरह पढ़े, ये सब कोई भी इंडिया का नहीं था। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए क्या फ्रेमवर्क है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क कौन सजेस्ट करेगा, MCA करेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आते हैं कंपनीज एक्ट। डन, पहली चीज़ MCA रिकमेंड्स करेगी। डन, सबसे पहले MCA ने लॉन्च किया 2009 में CSR रिलेटेड गाइडलाइंस। ठीक है, ये भी एक तरीके से इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें है CSR के अंदर। थर्ड, फिर क्या आता है आपका थर्ड पॉइंट इसके अंदर, 2011 में MCA ने लॉन्च किया नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये कंपलसरी नहीं थी, ये वॉलेंट्री थी, कोई चाहता तो कर लो, नहीं तो नहीं। डन, टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू सेबी LODR रेगुलेशन 2015, सेबी मैंडेट इंक्लूजन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट दैट इज BR reports as part of annual report for listed entities। कुछ listed entities को compulsion कर दिया कि वो BR report भी अपनी annual report के साथ में file करें। वो BR report के अंदर क्या framework है, वो 5 सेक्शन में divide है। ठीक है, पहला section है कि company के बारे में general information क्या है, second उसकी financial information, जो सेकंड है इसका पार्ट वो है उसकी सेकंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पेड अप कैपिटल कितनी है, टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, CSR में कितना स्पेंड किया। ठीक है, फिर इसने अपनी सब्सिडरी और सप्लाई चैन पार्टनर्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए, वो आएगा थर्ड उसमें सेक्शन सी में। फोर्थ सेक्शन डी, BR इन्फॉर्मेशन दैट इज स्ट्रक्चर गवर्नेंस एंड पॉलिसीज फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और सेक्शन ई के अंदर जो लास्ट सेक्शन है उसके अंदर आता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।